आज बनाएंगे एक सुपर फूड के डिश रागी डोसा। सुपर फूड फॉर बेबीज, सुपर फूड फॉर लेडीज, सुपर फूड फॉर एवरीवन। इट इज़ रिच इन विटामिन सी, ग्लूटेन फ्री फूड है, इसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत हाई है। अगर बच्चे दूध से जी चुराते हैं तो उन्हें रागी आप दे सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बोन्स को मजबूत करती है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके मेंटेन रखती है, डायबिटीज लेवल्स को कम करेगी, एनीमिया को प्रिवेंट करेगी। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है एंड इट एड्स टू डाइजेशन। तो हुआ ना ये सुपर फूड, सुपर हेल्दी और बहुत टेस्टी क्रिस्पी रागी डोसा की रेसिपी। आइए समझते हैं। रागी डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 1 कप रागी का आटा। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पे या फिर ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाता है। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप सूजी। तो फ्रेंड्स, जिनको डायबिटीज़ है वो सूजी अवॉइड करें और इसकी जगह इतना ही बेसन यूज़ कर लें, तो आपका डायबिटीज़ फ्रेंडली डोसा भी बन जाएगा। यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप एक छोटा प्याज डाल लें। नमक डाला है मैंने, साथ में जितनी सूजी उतना दही। अब इसमें हल्के हल्के पानी डाल के सारी चीज़ों को मिला लेंगे। तो अगर हम सूजी का डोसा बनाएंगे तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगेगी, क्योंकि सूजी जो है वो पानी को सोक करेगी और थोड़ी देर में बैटर अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर पानी का यूज़ किया है, आधा जग पानी डाला है। अच्छे से सूजी को और रागी के आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी पोरिंग। देखिए इतना पतला इसे रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पानी की मात्रा ये रहेगी तो डोसे भी आपके क्रिस्पी बनेंगे। अब इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। डोसा बनाने के लिए पहला थंब रूल, तवा आपका एकदम गर्म होना चाहिए, फ्लेम तेज़ होनी चाहिए, और जब आप डोसा डालें या तो उसे फ्लेम से हटा के डालें या फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लें। यहाँ पे मैं एक कटोरी का यूज़ कर रही हूँ डोसा फैलाने के लिए। देखिए इस तरीके से, घर की कोई भी कटोरी ले लें, और हल्का सा ऑयल मैंने डाला है एक बूंद इसमें, और इस तरीके से आपको हाथ थोड़ा सा ऊपर करके डोसा पूरे में स्प्रेड कर देना है। ये देखिए डोसा हमारा स्प्रेड हो गया है। रागी का डोसा कुक होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट का। इसे आँच धीमी कर दें और कुक होने दें। जब डोसा पक जाएगा, देखिए इस तरीके से ब्राउन हो जाएगा कलर, आपको दिखेगा, ये अपने आप पैन छोड़ देता है। हल्के से स्पैचुला की सहायता से उठा के मैंने इसे पलट दिया है। फ्लिप करके दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए पका लें, क्योंकि मेरी आदत है तो मैं डोसा दूसरी साइड पकाती हूँ, ज़रूरत भी नहीं होती है। तो कुछ सेकंडों के लिए मैंने इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लिया है, और ये हमारा क्रिस्पी रागी का डोसा बन के रेडी है। ये देखिए क्रिस्पी बना है, सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी। ये हमारा पहला डोसा तैयार है। मैं आपको एक और डोसा डाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक और डोसा बना के दिखाती हूँ। हल्का सा ऑयल डाला है मैंने, क्योंकि पैन तो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चमचे की सहायता से बना रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से हाथ करके आप डालेंगे इसमें, फिर दोबारा चमचा नहीं लगाना है। एक बार घोल डाल देने के बाद अच्छे से पूरे तवे पे इसको फैला देना है और इसको छोड़ देना है, टच नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के लिए रागी का डोसा कुक हो जाएगा, तो ये अपने आप पैन छोड़ देगा। साइड्स इसके उठे उठे आपको दिखाई देंगे और कलर ब्राउन। हल्के से देखिए प्यार से, एकदम प्यार से निकल आता है ये स्पैचुला। हल्के से मैंने लगाया इसके नीचे और ये पूरा कुक हो चुका है। और आराम से मैं इसे फ्लिप कर लेती हूँ। जैसे मैंने पहले बोला कि मेरी हैबिट है दोनों साइड से डोसा पकाने की, तो मैं इसे दूसरी साइड से भी पका लूँगी कुछ सेकेंड्स के लिए। वैसे डोसा बन के रेडी है। सो सिंपल ना फ्रेंड्स, दही सूजी और रागी मिलाया, पानी डाला और डोसा बना दिया। मस्ट ट्राई रेसिपी, आप ट्राई करना और मुझे बताना ज़रूर। रागी इज़ गुड फॉर वेट लॉस। जो लोग आटा अवॉइड कर रहे हैं, गेहूं की रोटी डाइट पे हैं, उनके लिए रागी डोसा एक आइडियल फूड है डिनर में खाने के लिए। आप इसका चीला या डोसा बना के खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों की। मैंने पहले भी आपको बताया था इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। इनफैक्ट किसी भी अदर सेरल से, किसी भी दूसरे सेरल से ज़्यादा मात्रा इसमें कैल्शियम की होती है। तो आप अपने बच्चों को ये खिलाएं, क्योंकि बच्चे भाग दौड़ में न्यूट्रिशनल वैल्यू तो मिस करते ही हैं, और अगर दूध नहीं पीते हैं तो रागी इज़ ए मस्ट। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। रागी में विटामिन डी की मात्रा होती है, जो कि बच्चों के बोन हेल्थ को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखती है।
जब बच्चों के टीथ निकलते हैं उस समय भी आप बच्चों को रागी खिलाएं, इट वर्क्स, इट हेल्प्स। छोटे बच्चे बहुत ही आसानी से ये हजम भी कर लेंगे, डाइजेशन में भी अच्छा रहता है। और सूजी है इसमें, रागी है, और ये बहुत टेस्टी भी बनता है। आप चाहें तो रागी की मात्रा कम करके सूजी की मात्रा बढ़ा के अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने बच्चों को इसको खिलाएं। देखिए बात करते करते एक और डोसा बन गया। इसको हरी धनिया की चटनी के साथ मेरे घर में तो सब लोग एंजॉय करते हैं, दही के साथ, सांभर के साथ, एज पर योर चॉइस। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है फ्रेंड्स। मैं फिर से हाजिर होंगी एक और हेल्दी और न्यूट्रिशनल टेस्टी रेसिपी के साथ। चलिए टेस्ट भी कर लेते हैं, टेस्टिंग पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आपको खा के ही बता देती हूँ, मेरे से भी ना रुका नहीं जाता है। सुपर क्रिस्पी फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं फिर से हाजिर होंगी एक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ।